हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो मैंने ले लिया है आटा, मैंने 2 कटोरी के लगभग आटा लिया है। उसके बाद मैं इसमें भी ऐड करूँगी अजवाइन, जो कि बहुत ही फायदेमंद होती है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैंने इसको हाथ से मसल के पहले से ही रख दिया था और अभी इसको मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से तेल या घी आप कुछ भी डाल सकते हो। तो मैंने तेल अभी 2-3 चम्मच के करीब इसमें तेल डालूंगी और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हाथ से मस लूँगी, जिससे कि बहुत ही अच्छा करारा कुरकुरा सा नाश्ता बनके तैयार होगा। तो बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा नाश्ता बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो बस इसको मैं ऐसे दोनों हाथ से मसल रही हूँ और इसको ऐसे ही मसलना है। उसके बाद आटे के जैसा गूंथना है, ना बहुत टाइट और ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो इसको बस ऐसे ही मैंने हाथ से मोयन इसका दे दिया है थोड़ी देर, और जब तक मैं पानी साइड में रख के थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छा आटा बन के तैयार होगा। तो बस मैंने भी थोड़ा सा गुनगुना हो गया है, तो बस मैंने आटा भी गूंथना चालू कर दिया है और अभी आटा गूंथ गया है। तो इसको रख देती हूँ साइड में, जब तक मैं अभी बाउल ली हूँ उसमें जो भी मुझे फिलिंग्स बनानी है उसकी तैयारी करती हूँ। मैंने 3 बड़े आलू लिए थे, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद पानी से साफ करके उसको अच्छे से धो लिया है और सूखा कर दिया है। उसके बाद इसमें मैं डाली हुई सब्जियाँ, शिमला, गाजर, हरी मिर्ची, हरा धनिया। वैसे तो बच्चे इस सब्जियों से दूर भागते हैं, तो इसमें मैं डालूंगी तो बहुत अच्छी तरह से लोग खाते भी हैं, सबको पसंद भी आता है। तो बस मैंने इसमें भी नमक डाल दिया है और आपको जो भी मसाले ऐड करना है आप ले सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया चिली फ्लेक्स और अभी बस अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए नमक मिला दिया, जिससे कि जो भी पानी रहेगा वो अभी जो सब्जियां हैं वो पानी छोड़ देंगी। तो इसको मैं अच्छे से दबा दबा के इसका पानी भी निकाल दूँगी, नहीं तो बेलते समय नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। उसके बाद 10 मिनट के बाद में जो भी पानी रहेगा वो भी सब्जियां छोड़ देंगी। तो बस अभी 10 मिनट के करीब हो गया है, तो बस इसको मैं भी दोनों हाथों से निचोड़ूंगी, जो भी पानी रहेगा। ये देखो कितने अच्छे से पानी, बस ऐसे इसको अच्छे से दबा दबा के निकाल देना है। तो बस मैंने भी ऐसे ही निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, आप ज़रूर बनाना, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे कुछ ना कुछ नाश्ता बनाने के लिए बोलते हैं। मैंने ऐसे ही मैं सोची आज ही नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी भी रहेगा। तो बस मैंने ऐसे ही सारा पानी भी निचोड़ दिया है। उसके बाद मैं भी तो पानी में साइड में रख दूंगी, उसके बाद जो भी रहेगा और तो उसको मैं साइड में रख देती हूँ पानी को। उसके बाद मैंने लिया है बड़ा नाश्ता बने, तो बस इसको मैंने थोड़ा नाश्ता बड़ा ही बनाना है, इसे काटते समय आराम से कट जाएगा आसानी से। तो बस इसको मैं इसे पूड़ी की जैसा मोटा मोटा बेल लूँगी, ना बहुत पतला ना ज़्यादा मोटा। तो फ्रेंड्स, ऐसे इसको बेलना है, मैं आराम से इसको बेल रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, पिज़्ज़ा बर्गर फेल है इस नाश्ते। जब एक बार ये नाश्ता बच्चे लोग खाएंगे तो रोज ही मांगेंगे, तो बहुत ही अच्छा है। तो बस मैंने भी इसको ऐसे ही बेल लिया है। उसके बाद मैं भी
जो भी फीलिंग्स बनाई मैं इस पर ऐड करूँगी, तो भी ऐसे ही मैं ले लूँगी जितना भी मुझे बनाना है। तो बस अभी इसमें मैं जो भी फीलिंग्स इसको डाल रही हूँ। आप इसके ऊपर सॉस या सेजन चटनी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने हरी चटनी बनाई है क्योंकि हरी चटनी डालूँगी। तो आप इसके ऊपर चीज़ वगैरह जो भी रहेगा आप ले सकते हो। तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने चीज़ नहीं डाला है, सब थोड़ा सा खाली घस के डाल दिया है। तो बस ऐसे ही बराबर से लगाना है। उसके बाद मैं इस पर अभी अच्छी तरह से इसको सेट कर दूंगी। उसके बाद मैं इस पर थोड़ी सी हरी चटनी भी डाल दूंगी। और ये नाश्ता बनाने में बहुत ही आसान है। तो बस फ्रेंड्स इसको ऐसे ही बनाना है। बस अभी मैंने चटनी दरदरी पीसी है, ज़्यादा बारीक मैंने नहीं किया है और ज़्यादा इसको पतली भी नहीं बनाना है, नहीं तो फट जाती है। नीचे से जो आटा रहता है वो लगता है, तो ऐसे ही इसको मैं ऐसे लगाई हूँ चटनी को। मैंने मिर्ची इसमें ज़्यादा पीसी है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा चटनी नहीं लगा रही हूँ। तो आप अपने जितना तीखा आपको खाना रहेगा उस हिसाब से आप चटनी बनाना। तो बस इसको ऐसे ही चटनी मैंने लगा दिया है। उसके बाद अभी इसको अच्छी तरह से हल्के हाथ से इसको रोल बनाना है। तो आटा थोड़ा से नीचे से फीलिंग्स में जो भी उसको मैं एकदम आराम से इसको मैं ऐसे रोल बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, लास्ट में इसको अच्छे से दबाना है जिससे कि फूले नहीं। तो बस एकदम हल्के हाथ से इसको मैंने रोल कर दिया है। उसके बाद अभी दोनों तरफ से उसका मैं पैक कर दूंगी। आप इसको भाप से भी पका के तड़के तड़का डाल के भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसको भाप में पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसको फ्राई भी करूंगी। तो बस अभी मैंने छलनी रख दी है और पानी नीचे से उबल रहा है। तो बस मैं ऐसे ही तीन रोल लगा दूंगी। मैंने बहुत चौड़ा बनाया है जिससे कि काटने में आसानी रहेगी और नाश्ता भी थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो बस ऐसे ही तीन रोल मैंने रख दिया है। उसके बाद मैंने ऊपर ढक्कन लगा दिया है। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया है और 10 मिनट में बहुत आराम से ये पक जाता है। तो देखो अभी ये पक गया है, मैं इसको थाली में रखती हूँ ठंडा होने के लिए। तो अभी ठंडा हो गया है, उसके बाद में भी इसको कट कर रही हूँ। आप कोई भी आकार दे सकते हो, मैं त्रिकोण आकार दे रही हूँ और थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो और बहुत आराम से कट रहा है क्योंकि भाप से अच्छी तरह से पक भी गया है, तो ये आराम से कट भी जा रहा है। बस इसको ऐसे ही कट करना है। मैं तीनों रोल को अच्छी तरह से मैं इसे कट कर दूंगी। इसको आप फ्राई करके भी खा सकते हो। तो बस मैं ऐसे ही निकाल ली हूँ और इसको भी साइड में रख दूंगी। देखने में भी कितना अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। आप इसके ऊपर जीरा राई कड़ी पत्ते का भी तड़का देके आप सेजन चटनी से खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है ये। तो बस मैंने ऐसे ही बना लिया है। उसके बाद मैंने मैदे का घोल तैयार कर दिया है। इसे मैंने हरा धनिया, चिली फ्लेक्स, नमक पहले से डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा तिल ऐड करूँगी क्योंकि तिल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं भी इसमें तिल डाल दी हूँ, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ। और अभी जो नाश्ता था मैं इसको डिप कर रही हूँ। उसके बाद तेल गर्म हो गया तो मैं इसमें डाल ली हूँ तलने के लिए। तो मैंने तल लिया है इसको और ऐसे ही तलूँगी। देखो कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो बस इसको ऐसे निकालना है फ्रेंड्स। और अभी मैं इसे पलट पलट के, बहुत ही जल्दी पकता है क्योंकि पहले से भाप से पक जाता है तो ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और सब्जियां भी पहले से ही पकी हुई होती हैं। तो बस जिसको तेल कम खाना रहता है तो उसको
भाप के साथ तड़के के साथ खा सकता है। और देखो बस ऐसे इसको बनाना है फ्रेंड, बस मैं इसको ऐसे ही निकाल लूँगी।